हैदर होम वाइव और हो, उसमें दोस्तों सब लोगों को, मेरे दोस्तों को और भाइयों को, पेट लवर्स को, रमज़ान मुबारक को। दोस्तों ऐसे है कि टिक्स का सीज़न आया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि भाई हमारे डॉग्स को टिक्स हो गए हैं, तो इस हवाले से कोई अपनी वीडियो अगर आप नाग सेंड करें, तो मैं अपने दोस्तों से अर्ज करूँगा कि इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना के सेंड कर चुका हूँ डॉग के हवाले से, मगर यह है कि कुछ लोगों को वो वीडियो में नहीं मिली, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो रिपीट कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने डॉग्स को टिक्स से आप कैसे बचाएंगे, तो आपको चाहिए कि आप जो शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं एंटीलाइट शैम्पू वगैरह यूज़ करें, ठीक है, जूहों का, और उसके बाद आपके स्प्रे जो आते हैं इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, अपने डॉग्स, क्योंकि ये लीवर पे इफेक्ट करता है। जब आप अपने डॉग को स्प्रे करें तो उससे पहले उसको शावर दे लें, शावर देने के बाद अपने डॉग को स्प्रे करें। आपसे आप पूछेंगे स्प्रे कौन सा, मार्केट में अच्छे स्प्रे वगैरह मौजूद हैं, जैसे कि टिक बेल है, फ्रंट लाइन है और टिक बेल है एक, तो आपको चाहिए कि आप उससे सबके साथ स्प्रे करें। स्प्रे करने का जो सही तरीका है, आपको चाहिए कि आप उसकी टेल से हाथ मारते हुए, ठीक है, गर्दन की तरफ हाथ लेके जाएं। इससे उसका ये होगा कि बाल या कमर के उसके ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, बाल ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, तो आप उसको आराम से उसे स्प्रे कर सकते हैं। ये आपने स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद, ठीक है, फिर ऐसे ही आपने टांग के से शुरू करना है, एक टांग से लेफ्ट से फिर राइट से उसके करने के बाद आपने क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने उसको ऐसे करके रब कर देना कि सारा जो स्प्रे है उसके जिस्म में, बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसे ही आप जब कानों के पास करें, ठीक है, ये ख्याल रखना कि कान के अंदर पानी बिल्कुल ना जाए, नाक में पानी ना जाए, उसकी आँखों से पानी बचाना है, क्योंकि बात यह है कि जहर होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।